हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं मुंबई के वर्ली इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा जी का घर। जी हाँ दोस्तों, हमारे पीछे आप लोग एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, उस बिल्डिंग का नाम है आहूजा टावर्स, और रोहित शर्मा उसी घर में, उसी बिल्डिंग में रहते हैं। दोस्तों, आप लोग तो रोहित शर्मा के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि रोहित शर्मा का एक और छोटा भाई है जिसका नाम है विशाल शर्मा। आखिर विशाल शर्मा जी क्या करते हैं? और बहुत ही बड़ी बात ये है कि रोहित शर्मा जी की जो देख रेख है ना, जो उनका देखभाल है, उनके चाचा और दादाजी ने किया है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। आखिर उनके माता पिता कहाँ पर रहते हैं ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको बता दें जो उनके पिताजी थे ना, उनकी आय काफ़ी कम थी, इस वजह से रोहित शर्मा जी का देख रेख वो कर नहीं पा रहे थे। तो उनके दादाजी और चाचा ने मिलकर देख रेख किया। और आखिर उनके चाचा और दादा आज के टाइम में कहाँ पर हैं, मतलब उनकी पूरी फैमिली क्या करती है, कहाँ पर रहती है, इनका नेटवर्थ क्या है, इनके घर की प्राइस क्या है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें 2007 में रोहित शर्मा ने T20 और वनडे में अपना डेब्यू किया था, और उसी के साथ साथ 2013 में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच भी खेला था। तो अब वही रोहित शर्मा कितने संपत्ति के मालिक हैं, उनके पास कितना पैसा है, उनकी पत्नी को तो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन उनके माता पिता, चाचा, दादी और उनका भाई आखिर कहां पर रहते हैं, क्या करते हैं, इस वीडियो में हम आपको उनके घर के साथ साथ उनके बायोग्राफी से रिलेटेड भी सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में गाइज पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ उनके घर का नज़ारा दिखाते हैं और बताते भी हैं। दोस्तों, ये चौक है कै बाबा साहेब वर्लीकर चौक, देख सकते हैं आप लोग। इसी चौक पे आने के बाद आप जब इधर से जाओगे तो आपको विराट कोहली का घर मिलेगा, और इधर जब जाओगे आप लोग तो ये रोहित शर्मा का घर देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं रोहित शर्मा के घर के मेन गेट पर। यहाँ पर देखिए घड़ी के ऊपर लिखा है आहूजा टावर्स। इसी के रास्ते रोहित शर्मा अपने इस बिल्डिंग में, अपने घर में एंट्री करते हैं। वही इनका मेन गेट है जो आप लोगों को हम वीडियो में दिखा रहे हैं। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, रोहित शर्मा इस बिल्डिंग के 29वें फ्लोर पर रहते हैं। नीचे यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया गया है और उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए गए हैं, और इनके इस बिल्डिंग में सारी वो लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो पॉश इलाकों में और एक अच्छी बिल्डिंग में होती हैं, कि अलग से स्टडी रूम, बालकनी रूम, छोटा सा प्यारा सा गार्डन और जिम एरिया, मतलब सारी फैसिलिटी इसमें मिलती है। यहाँ पर आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इनके बिल्डिंग के पीछे का नज़ारा है। जब आप लोग रोहित शर्मा के इंस्टाग्राम हैंडल को देखते होंगे, जब वो फोटोज वीडियो शेयर करते हैं, तो ये पीछे का नज़ारा वो काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं। और आगे से ना वर्ली का जो सी फेस इलाका है, जहाँ से बांद्रा वर्ली का वो पुल मिला हुआ है, वो एकदम अच्छे से दिखता है। तो पीछे से ये बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखती है, लेकिन आगे से इस बिल्डिंग का नज़ारा बहुत ही हट के और बहुत ही लग्जरी और सुंदर सी दिखती है। ये मैं आपको पीछे से दिखाया हूँ। चलिए अब थोड़ा सा मेन गेट के पास पहुँचते हैं और वहाँ से आपको इस बिल्डिंग को दिखाते हैं अच्छे से। दोस्तों, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मुंबई के वर्ली में है, और इसी के पास में विराट कोहली और शाहिद कपूर ने जो नया घर लिया है वो है। देखिए, वो विराट कोहली का वो बिल्डिंग दिख रहा है, वो बिल्डिंग विराट कोहली का है। इस रास्ते से जाओगे तो उनके आप लोग बिल्डिंग के पास पहुंच जाओगे, मतलब कि इन दोनों के बीच की बिल्डिंग की दूरी ज़्यादा नहीं है। ये लोग काफ़ी पास में ही रहते हैं, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ये लोग रहते हैं, और उसी बिल्डिंग में युवराज सिंह भी रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दे, देखिए यहाँ पर वो जो घड़ी है ना वो दिख रही है, सिंबल हमें दिख रहा है, वहीं पर उसके ऊपर लिखा है आहूजा टावर्स, और इस बिल्डिंग को आहूजा टावर्स के नाम से लोग जानते हैं, जिसमें हमारे भारत के कप्तान रोहित शर्मा अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा का ये घर जो है ना, ये मुंबई के वर्ली में है, और ये एक बहुत ही लग्जरी इनका अपार्टमेंट है। आप यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे देख सकते हैं, इनके बिल्डिंग का ये दूसरा गेट है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पीछे का रास्ता है, और यहाँ पर आपको अंदर कई सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई दिखाई दे रही होंगी,
और इसके जस्ट सामने इनका मेन गेट है जहां से रोहित शर्मा भी एंट्री करते हैं। ये वाला यहां पर देखिए एक घड़ी के ऊपर लिखा है आहूजा टावर्स, और यही वो एंट्री गेट है जिसके रास्ते से रोहित शर्मा एंट्री करते हैं। ये वीआईपी के लिए बनाया गया है जो कि 53 मंजिला ये इमारत है। इस 53 मंजिला इमारत का नाम है आहूजा टावर्स, और इसी आहूजा टावर्स के 29वें फ्लोर पर रोहित शर्मा अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा का जो ये अपार्टमेंट है ना इस आहूजा टावर्स में, वो 6,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। रोहित शर्मा के घर में सभी सुविधाएं और लग्जरी चीज़ें मौजूद है। रोहित शर्मा का ये घर जो है 4 किंग साइज बेडरूम हॉल और किचन है। रोहित शर्मा ने ये घर अपनी सगाई के बाद यानी कि साल 2015 में 30 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब इस घर की प्राइस, इनके फ्लैट की प्राइस करीब 45 करोड़ रुपए हो चुकी है। रोहित और उनकी पत्नी रीतिका का घर जो है ना बेहद ही आलीशान है। रोहित शर्मा के घर के कमरों में बहुत ही सुंदर सुंदर महंगे झूमर लगे हैं, कमरों में कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं और वहां से समुद्र का पूरा नज़ारा साफ दिखता है। अभी मैं आपको इनके घर के अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा कि इनका बेडरूम कैसा है, इनका किचन रूम कैसा है। आपको बता दें आहूजा अपार्टमेंट की लग्जरी सुविधाओं में एक क्लब हाउस और एंटरटेनमेंट एरिया शामिल है। इसके अलावा स्पा, जकूजी, मिनी थिएटर, योग रूम, सिगार रूम, वाइन सेलर और एक बिजनेस एरिया भी है। सामने से देखिए इस बिल्डिंग में हर जगह कांच का यूज किया गया है, इतना सुंदर लग रहा है सामने से। आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि इसी में रोहित शर्मा 29वें फ्लोर पर रहते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा इनके घर के अंदर का वीडियो दिखा देते हैं इसी बिल्डिंग के। यहाँ पर देखिए चाय और कॉफी की इनके पास एक अच्छी सी मशीन है, ये जिम एरिया है, और इनके ऊपर से इनके फ्लैट से ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो यहाँ से दिख रही हैं। और अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा अपने बालकनी में खड़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी बेटी और पत्नी के साथ ये खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो भी नज़ारे, ये इसी इनके फ्लैट का नज़ारा है जो कि बहुत ही शानदार और लग्जरी इनकी बिल्डिंग है। ये इनका किचन रूम है जहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये इनका एक थिएटर रूम है जहाँ पर बैठ के अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ मस्ती कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखा दूँ जो इसी फ्लैट का है। यहाँ पर देखिए इनका डॉग है और डॉग के साथ इनकी पत्नी मस्तियाँ करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये जो आप लोग गैलरी देख रहे हैं ना, ये अक्सर गैलरी आप लोग देखते होंगे जब रोहित शर्मा बैट बॉल खेलते हुए नज़र आते हैं अपनी बेटी के साथ, तब इसका वो जो वीडियोज है शेयर करते रहते हैं। ये है रोहित शर्मा के घर के अंदर का उनका जिम एरिया जहाँ पर ये एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में रोहित शर्मा अपनी बेटी के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी बेटी के खेलने के लिए इनके फ्लैट में अलग से एक रूम बनाया गया है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से ये अपनी बेटी के साथ यहाँ पर मस्तियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इस फोटो में रोहित शर्मा अपनी माँ के साथ खड़े हुए हैं और इनकी बेटी और इनकी पत्नी बगल में जो फोटो है उसमें आप लोग देख सकते हैं। इस पिक में रोहित शर्मा के पिताजी हैं और रोहित शर्मा और उनके भाई विशाल शर्मा उनकी गोद में हैं। इस फोटो को रोहित शर्मा ने शेयर किया था दिवाली के टाइम का। देखिए इसी बिल्डिंग के बालकनी में खड़े होकर ये अपने परिवार के साथ फ़ोटो क्लिक करवाए थे जो कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। ये इसी 29वें फ्लोर के बालकनी का फोटो है। दोस्तों रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल साल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरुनाथ शर्मा है और इनकी माता का नाम पूर्णिमा शर्मा है। ये विशाखापट्टनम की रहने वाली थी। इनके छोटे एक भाई हैं जिनका नाम है विशाल शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था, लेकिन इनके परिवार में इतनी आमदनी उस समय नहीं थी कि जिससे उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। इसी के कारण इनके दादा और चाचा के साथ ये
बोरीवली में रहा करते थे। रोहित शर्मा क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे और उसके लिए इनके चाचा ने इनकी काफ़ी हेल्प की थी। उस समय रोहित शर्मा एक ऑफ स्पिनर गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन इनके कोच दिनेश लाड ने इनको बल्लेबाजी के लिए प्रभावित किया था। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेल कर की थी। उस मैच में रोहित शर्मा ने 177 रन की पारी खेली थी। और आपको बता दें, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत उन्होंने 23 जून 2007 को आयरलैंड क्रिकेट टीम के विरुद्ध की थी। इसके अलावा रोहित शर्मा अपने T20 में पहला मैच 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। भारत के कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर के बाद चौथे सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर है। रोहित शर्मा को BCCI ने केंद्रीय अनुबंधन में A+ वाले खिलाड़ियों की सूची में रखा है, जिसे इन्हें 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। इनके अलावा वो जो भी मैच खेलते हैं उसके लिए उन्हें अलग से फीस दी जाती है, जिसमें टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए प्रति मैच दिए जाते हैं, वनडे के लिए 6 लाख रुपए और T20 के लिए उन्हें 3 लाख रुपए BCCI द्वारा दिए जाते हैं। IPL में मुंबई इंडियंस हर साल रोहित शर्मा को रिटेन करता है, जिसके लिए उन्हें 16 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। इसके अलावा उनके पास कई ब्रांड एंडोर्समेंट है, जिसके लिए उन्हें करीब 7 से 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें, रोहित शर्मा का टोटल नेटवर्थ करीब 190 करोड़ रुपए है। रोहित शर्मा के कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास काफ़ी महंगी कारें हैं, जैसे कि ऑडी, BMW, पोर्शे कायने और मर्सिडीज बेंज जैसी कारें हैं। इनकी प्राइस 1 करोड़ से लेकर 60 लाख 80 लाख तक है। तो गाइज, यही है आहूजा टावर्स। इसी के 29वें फ्लोर पर रोहित शर्मा का अपार्टमेंट है, जिसकी प्राइस करीब 45 करोड़ रुपए है। उम्मीद करूंगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको भारत के कप्तान रोहित शर्मा का घर दिखा दिया है कि वो मुंबई में कहां पर रहते हैं। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।